बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजिम प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सना उस्मान। नाजिम, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शिवाना खोखर ने। आइए उन्हीं से जानते हैं मजीद मालूमात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे बताएं कि आप इस फील्ड मैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने हाउस जॉब किया और उसके बाद जल सचा। फिर मैंने अपनी 2005 में मैंने एफ सी पी एस किया गाइडिंग, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों पर काम किया। मैंने जो अपनी रेजिडेंसी थी वो मैंने जिनाब हॉस्पिटल में की और बहावलपुर में बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में की। उसके बाद मैंने स्कर्गू में भी काम किया जी। फिर मैंने कोहाट में भी काम किया, कुकाड़ा में मैंने काम किया। फिर मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में, इस वजह से फिर मैं 2010 में शिफ्ट हुई, लाहौर में शिफ्ट हो गई। फिर मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया, एविसिना मेडिकल कॉलेज में काम किया। फिर लास्ट 11 ईयर से मैं पंजाब रेंजर्स हॉस्पिटल में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ, और अब अक्टूबर से 7 मैं इधर रशीद अख्तर में ही पे आ गई। मैम, अभी आपने गिलगित की बात की, कोहाट की बात की, तो ऐसे एरियाज में काम करना कितना मुश्किल है? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ऐसे एरियाज में काम करना, यहाँ की किस्मत बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे लोग डॉक्टर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो डॉक्टर की बात को हदीस और कुरान की तरह समझते हैं। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप जैसे उनको बताते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने कभी किसी मेल की वो इस तरह विजेक्टमी होते जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए करते हैं, मैंने कभी यहाँ मेल को नहीं देखा इस तरह करवाते हुए। स्कर्दू में मैंने देखा कि कैंप लगा था, और उसमें मैंने देखा कि कोई 50-60 के करीब मेल्स आए हुए थे जो कि अपनी विजेक्टमी करा रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब कि वहाँ के लोग डॉक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि डॉक्टर की कोई बात करे तो हमारी हेल्प करेगा। कोहाट में मैंने लोगों को देखा कि वहाँ पे लोग डॉक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट, हालांकि बड़ा वो उस वक्त हाई रिस्क एरिया था, ये टेररिज्म वाला चल रहा था किस्सा जब हम जिस जमाने में मांगे, लेकिन फिर भी लोग डॉक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने गार्डनिंग की फील्ड में क्यों चूज किया? मैंने ना, जब पहले मैंने मेडिसिन में 6 महीने हाउस जॉब किया, और लेकिन जब हम फाइनल ईयर में होते हैं हमारी 15 डेज की गाइनी ड्यूटी लगती होती है। अच्छा। हमें 15 दिन जाते गाइनी वार्ड में कंपल्सरी है, रात दिन हमें 15 दिन उधर ही बंद ही रहना होता है। अच्छा। तो गाइनी की फील्ड जो है ना, मुझे डायनामिक बड़ी लगती है। अच्छा। मतलब कि और आपके रिजल्ट्स आपके सामने फौरन फौरन आ जाते हैं, और फिर देखो मोस्टली इसमें अच्छी खबर ही होती है ना, खुशी की खबर होती है कि बच्चे पैदा। तो मतलब जहाँ एक थोड़ी सी थोड़ा डार्क साइड भी है वो गाइनी में, कुछ मैलिगनेंसीज ये वो, लेकिन मोस्टली जो काम है ऑप्स का है, जहाँ पे खुशखबरी होती है और आपको 15 से 20 घंटे के अंदर अपने रिजल्ट सामने नजर आ रहे हैं, और भाग दौड़ हर वक्त लगी रहती है, रात को भी रोना, दिन को भी रोना। तो मैं तो इसलिए गाइनी हुआ, इसलिए आपको लगा कि अच्छा है। मैम, मुझे बताएं कि रशीद अख्तर हॉस्पिटल में आपको कितना अच्छा हो गया? मैंने रशीद अख्तर हॉस्पिटल को अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर 2023। ठीक हो गया। मैम, अगर आजकल हम बात करें तो खवातीन में खासकर आपको कौन सी कॉमन ऐसी डिजीज नजर आती है जो बहुत कॉमन हो चुकी है? देखो, खवातीन में तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जिनमें अक्सर इनके चक्कर हॉस्पिटल पे लगते रहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि खवातीन अपने आप को इग्नोर बहुत करती हैं। ठीक है, वो हॉस्पिटल तब आते हैं जब वो कहते हैं ना पानी सर से गुजर चुके हैं, नहीं तो पहले वो किसी सहेली के मशवरे से, कोई बुजुर्ग खवातीन के मशवरे से कोई टोटका इस्तेमाल कर लिया। आपको पता है ना, खवातीन घर में भी ऐसे करते हैं कि जो अच्छी रोटी है वो हस्बैंड या बेटे की खाती, खुद बेचारी चाहे कुछ ना भी खाए सूखी रोटी खा ले, लेकिन ऐसे फीमेल हमारा ये कल्चर है। तो वो हॉस्पिटल भी उस वक्त आती है जब काफी हालात खराब हो चुके हैं। आजकल जो ज्यादा मैंने देखा है हमारे आउट पेशेंट में आती है, एक तो यही जो है माहवारी की प्रॉब्लम्स, माहवारी की जो बेकायदगी होती है, ठीक है, ये बहुत इशू है बहुत ज्यादा। इसके बाद ये जो निकोरिया का बहुत है, आपने पीसीओएस का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको आम जुबान में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पानी की छोटी छोटी कहते हैं, थैलियां बन जाती हैं वो, ठीक है, वो भी आम की बेकायदगी और बांझपन की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, और इसके बाद खुद बांझपन इटसेल्फ, ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जो गाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। बाकी अगर हम देखें ऑफ जो जिसका प्रेगनेंसी से रिलेटेड या हमस से रिलेटेड है, इसमें ये देखें आजकल, पहले जमाने में ये चीजें नहीं थी, लेकिन आजकल ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है,
शुगर बहुत कॉमन है, ठीक है, फिर ये जो मिसकैरेजेस या अबॉर्शन हो जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा है, और अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट्स आते हैं। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये बीमारियां पहले से हैं, हमारे यहाँ ना प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। ये प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ये होती है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप प्रेगनेंसी से पहले, यानी कि आप अपने प्रेगनेंसी प्लान करें, ठीक है, उससे पहले आप अपनी बीमारी का इलाज करें, डॉक्टर के पास जाएं, और जब वो कहे जी अब आप बिल्कुल फिट है तो फिर आप अपनी प्रेगनेंसी करें। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये कोई प्री प्रेगनेंसी क्या एंटीनेटल का भी कोई इतना ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल आप कहने का मतलब है कि पहले से अपने टेस्ट करवाएंगे, कोई ऐसा इशू लग रहा है तो पहले आप उसको, लोगों को पता होता है समटाइम, देखो जैसे वो मिर्गी का पेशेंट है, ठीक है, उसको पता है कि मुझे मिर्गी है तो उसको चाहिए पहले उसको कंट्रोल करें, ठीक है। शुगर का अगर पेशेंट है, कई लोगों को बचपन से देखो शुगर की प्रॉब्लम होती है डायबिटीज की, तो पहले हम उसको कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा उस दौरान वो हमला हो जाएगी, और तो उसमें बच्चों में बहुत सारे डिफेक्ट पैदा होने, जिस्मानी नुकसान बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक तो जो चीजों का पहले से पता है, एक तो उनको कंट्रोल करें, दूसरा ये कि जैसे ही प्रेग्नेंट हो तो प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप के लिए, और जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस करे। हमारे यहाँ लोग ये करते हैं कि हर चीज का हल जो है वो अल्ट्रासाउंड ढूंढते हैं, ठीक है, उन्हें पेट में दर्द हुई है वो अल्ट्रासाउंड के लिए गए, उन्हें जिस जो भी उनका प्रॉब्लम हुआ है ना प्रेगनेंसी में, वो बजाय डॉक्टर के पास जाने के वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उससे कोई अल्ट्रासाउंड ने कुछ चीजें बता दी है, बाकी इलाज तो गायनेकोलॉजिस्ट ने करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैम एक नहीं कॉमन अगर हम डिजीज की बात करें जिसमें हम वजाइनल डिस्चार्ज में जाते हैं, आपको क्या लगता है कितना कॉमन है वजाइनल डिस्चार्ज? बेसिकली देखो वजाइनल डिस्चार्ज तो हर औरत को, ठीक है, कोई भी औरत ये नहीं कह सकती कि उसे कभी वजाइनल डिस्चार्ज हुआ ही, क्योंकि वजाइनल एक वजाइनल डिस्चार्ज वो होता है जो कि नॉर्मल है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं तो भाई वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, जैसे कि क्योंकि जिससे वो जैसे आपकी जो वजाइना की जो सेल्स हैं वो जैसे आपकी जिल्द उतरती है ना, इसी तरह उसके अंदर से भी जिल्द उतरती है, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि रुतुबत खारिज करते हैं, जो नॉर्मल नेचुरल होती है, और कई कई जैसे अभी आपके पीरियड्स के बाद जो नेचुरल होता है डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है जब आपकी ओवुलेशन के डेज आते हैं, इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है। और फिर कुछ लोग जो बड़े ज्यादा एंशियस होते हैं, बहुत देर खड़े रहते हैं, इस तरह के जो लोग हैं इनमें भी वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा होता है। तो ये तो हुआ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। कई जो लोग हैं जिनमें किसी बीमारी की वजह से मोस्टली जो है रीजन है वो इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में भी होती है बहुत ज्यादा, जहां भी इम्यूनिटी कम होगी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी। फिर आपकी डायबिटिक्स जो है उनमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होती है, और फंगल इन्फेक्शन में टिपिकल जो उसका सिम्टम है एक तो होती है खारिश होती है उसमें, दूसरा जैसे दही की कुटकियां होती है वैसा डिस्चार्ज, ठीक है। बाकी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे, इसमें डिस्चार्ज जो है ग्रीनिश कलर का हो सकता है, वो आपका जो है येलोश कलर का हो सकता है, फिशी स्मेल आ सकती है इसमें से, और अगर इसमें ब्लड के जरात हो तो फिर आपने ये खतरे की ना, ठीक है, ये किसी कैंसर को भी शो कर सकते अगर ब्लड के जरात आए। जब आपको स्मेल वाला हो, वू आए, ठीक है, हस्बैंड के मिलने के साथ तकलीफ हो, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाए, इस तरह के कलर ब्लड हो, तो आपने जरूर डॉक्टर के पास आना है। और कई दफा देखो ये अगर ऊपर चला जाता है आपकी यूट्रस में भी जा सकता है, बच्चेदानी में, आपकी ट्यूब्स में भी जा, ये ट्यूब्स को ब्लॉक भी कर सकते, ठीक है, एक्सेस भी बना सकता है, मतलब इसके लॉन्ग टर्म वो हो सकते हैं, इसलिए आपको जब ये वाले डिस्चार्ज हो तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना। मैम अगर इनकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो आप में सबसे पहले तो देखें जैसे हमारे मजहब में भी कहा जाता है कि सफाई जिस पे ईमान है तो हमने सफाई करके आना, ठीक है, अपने आप को साफ रखें, ठीक है, जैसे अगर आप पैड इस्तेमाल करती हैं रेडीमेड तो ठीक है, लेकिन उसको भी हर 4 से 6 घंटे बाद आपने चेंज करना है, ये ही सुबह का रखा हुआ है तो वो रखा ही है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो उसको धो के इस्तेमाल, ठीक है, गंदे कपड़े ना इस्तेमाल करें। इसके बाद आजकल जो है अपना बाथरूम साफ रखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसकी सफाई का ध्यान रखें। और आप अगर एक ही बाथरूम है घर में तो जब भी आप जाते हैं तो उसको वॉश कर लें, ठीक है, जब भी दूसरा बंदा पैंटीज यूज करते हैं तो पैंटीज 24 घंटे बाद यूज करो, स्पेशली जैसे ये अभी सावन का मौसम आएगा वो वेट रहती है, ठीक है, तो वो फिर उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मैम अगर मैं आपसे बात करूं कि अख्तर रशीद मौत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
अख्तर रशीद हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा इजाफा है पैरागॉन के रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे और हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये लोग हम लोग ने जुनाब कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बेहतर से बेहतर करें। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, मैंने उसमें काम किया है, बहुत ही अच्छा, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपका ऑपरेशन थिएटर है, इनका इनका लेबर रूम बहुत अच्छा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूजली इस तरह के लेबर रूम नहीं बने, ठीक है, स्टेज वन है, स्टेज टू है, नर्सरी है, आईसीयू है, मतलब जो नॉर्मल है नॉन रिपोर्टेबल के लिए वार्ड्स भी हैं, रूम्स हैं, ओपीडी में आपने देखा होगा हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है, इमरजेंसी है, मतलब कि हम यहाँ पे आपको कंसल्टेंट भी सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके लिए हर किस्म की, ये दिन रात जो इसके ओनर्स है वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हम मुनासिब जो चार्जेस में पेशेंट को बेहतरीन हम सहूलतें मिल जाए। ये तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें कार्यक्रम में और हम मतलब कि हम कंसल्टेंट्स ऑन कॉल भी होते हैं, इवन कि हमें संडे को भी बुलाएं कोई पेशेंट इमरजेंसी है तो हम लोग आ जाते हैं। अच्छा मैम, आप नाजीन से कोई ऐसी बात करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें इस चीज को लेकर, तो वो जरूर बताइएगा कि उनको ऐसी क्या प्रिकॉशन है जिन्हें कुछ आपके वी वॉश को लेकर या किसी चीज को। मैं तो सबसे पहले उनको कहूंगी कि एक तो वही सफाई वाला मैसेज मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दिया, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज हरकत में बरकत है, अपने आप को हरकत में रखें। औरतें जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, देखिए 55% हमारी आबादी जो है वो खवातीन की है, अगर 55% औरतें बेड पे पड़ जाए तो मुल्क या दुनिया कैसे चलेगी, बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिनके लिए जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनके लिए हम रेस्ट एडवाइस करती हैं, बाकी मोस्टली प्रेगनेंसीज जो है वो हमने नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी रखनी होती है। दूसरी बात है अपनी मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है, और सबसे पहले मैं सफाई के बारे में ये बताना चाहूंगी कि आपने साबुन के साथ अपने आप को वॉश नहीं करना, डिटोल नहीं यूज करना आपने, बहुत सारे लोग समझते हैं शायद इसी से सफाई है, और आजकल वजाइना वॉश आए हैं डिफरेंट टाइप्स के, अगर आप वो यूज करना चाहें तो उसका सिर्फ एक ड्रॉप लेना होता है, वो बाहर से वो सिर्फ बाहर से वॉश करना होता है। दूसरा मैं कहूँगी कि अपने आप को मुतहरक रखें, ठीक है, आप इवन के प्रेग्नेंट हैं फिर भी आपने 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है, और अगर आप मेनोपॉज में हैं फिर भी आपने वॉक करनी है, आपने अपने तरह से जिंदगी को बदलना है, और आपने कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, अगर आप सारा दिन कैल्शियम ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और आपने एक गिलास भी कोक का पी लिया तो आपकी कैल्शियम मल्टीप्लाई बाय जीरो, ठीक है, तो हमें ये नहीं इस्तेमाल करने, आपने ताज़ा फल और सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है, अगर आप गोश्त नहीं ले सकते तो आप दालें खाएं, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, अच्छी हेल्दी गुजार पाएं। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब कोई प्रेग्नेंट होती है औरत तो उसे बड़ी बुढ़िया कहती है कि आप तुमने दो बंदों की खुराक खानी है, आपने दो बंदों की खुराक नहीं खानी, आपने एक ही बंदे की खुराक खानी है और हेल्दी खानी है। समटाइम्स इसमें अमल में ये होता है कि आपका जो स्टमक से या मैदे से खुराक वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बाहर जाती है, तो आप उसको 2 या 3 घंटे बस स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं। तो आज के लिए यही आपका लिए मेरा जो पैगाम है आज के लिए कि अपने प्लीज अपने तर्ज जिंदगी को बदलें। मैम थैंक यू सो मच आपके इतनी मुफीद मशवरों का और आपने नाजिन को आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और नाजिन आपसे भी गुजारिश करूँगी कि अगर आपके कोई कमेंट्स हों किसी भी किस्म के, किसी बीमारी को लेके, किसी बारे में आपको जानना चाहें, गायमी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या औरतों की कोई मसाइल हों तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे और अपने मौजूद मेहमान से इजाज़त चाहूँगी कि मैं वहाँ आने के लिए दोबारा से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आपसे जाते जाते एक ही गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सर।